हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैलेंट क्राफ्ट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनिमेशन के फॉर्मेट में बैटरी से 5 वोल्ट पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। ये सर्किट बहुत ही सिंपल एंड इजी है, आप भी बाय हैंड इस सर्किट को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए। इस बैटरी में रेड पॉइंट पॉजिटिव है एंड ब्लैक पॉइंट निगेटिव है। उसके बाद हमें 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी चाहिए। इस आईसी के 3 लेग्स हैं। फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकंड वन इज ग्राउंड एंड थर्ड वन इज आउटपुट। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को 7805 आईसी के फर्स्ट पिन के साथ कनेक्शन कर देना है। बीच में हमने स्विच लिया हुआ है। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को 7805 आईसी के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्शन करना है। आईसी के पिन नंबर 3 का कनेक्शन एक वायर के साथ करके रख देना है, जिससे हमें 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। अब हम मल्टीमीटर को डीसी चेक की रेंज में रखकर चेक करेंगे। मल्टीमीटर का रेड टर्मिनल को हम आईसी के थर्ड टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे एंड ब्लैक टर्मिनल को नेगेटिव के साथ। ये सारे कनेक्शन हो जाने के बाद हम स्विच प्रेस करेंगे। जैसे ही हम स्विच प्रेस करेंगे, बैटरी में से 12 वोल्ट की सप्लाई 7805 आईसी को मिल जाएगी एंड आईसी आउटपुट से 5 वोल्ट डीसी मिलेगी, जिसको हम मल्टीमीटर के साथ चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है 5 वोल्ट पावर सप्लाई बनाना। एंड इसमें कैपेसिटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बैटरी में पल्सेटिंग डीसी नहीं होता, बैटरी में हमेशा प्योर डीसी होता है। अब चलिए इस सर्किट को हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं।